जा रहा है कि यहां पर श्रीकांत की 15 दुकानें हैं जिनसे वो किराया वसूलता था। बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया गया। उसके अवैध निर्माण पर नोएडा प्राधिकरण की टीम का हथौड़ा भी चला। लोगों ने बुलडोजर वाले एक्शन पर खुशी जताई और लड्डू बांटकर जश्न मनाया। श्रीकांत त्यागी के समर्थकों ने देर रात जबरन हाउसिंग सोसाइटी में घुसने की कोशिश की। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि पकड़े गए लड़के पीड़ित का पता पूछ रहे थे। मामले को तूल पकड़ने के बाद गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया। बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही। पुलिस ने 12 समर्थकों को हिरासत में ले लिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से तबाही मच गई। 5 घरों में मलबा घुसने से भारी नुकसान हुआ है। कंधावर नाले में के पानी आने के बाद पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पानी आने से चंबा तीसा मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। कई रास्ते सैलाब में बह गए। ग्रामीणों की फसलों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के भावानगर में हाईवे पर पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसके बाद रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लगातार पहाड़ से मलबा गिरने से खतरा बना हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के खरगोन में सुकड़ी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से 14 कारें नदी में समा गईं। नदी की तेज धारा में बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आईं। उफनती नदी में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कारों को बाहर निकाला जाए। हालांकि काफी देर बाद कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और कार को निकालने का काम शुरू किया। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जलभराव की समस्या नजर आई। आलम यह है कि मालवीय नगर इलाके में नंदपुरी अंडरपास में बारिश का पानी भरने की वजह से राज्य सरकार के मंत्री मुरारीलाल मीणा की बेटी की कार सैलाब में फंस गई। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के टिहरी में एक महिला की बरसाती नदी में बहने से मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को बाहर निकाला। तेज बारिश और बाढ़ से नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और महिला नदी के तेज बहाव में बह गई। भारी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने महिला के शव को बाहर निकाला। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बाढ़ का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां नदी में उफान की वजह से पुल के ऊपर पानी बहता दिखाई दिया, जिसकी वजह से दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया। इस दौरान कई लोग पुल के दूसरे छोर पर फंस गए। सैलाब की वजह से यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। सिंधुदुर्ग में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के बाद चारों तरफ बाढ़ का मंजर दिखाई दे रहा है, जिसके बाद करीब 26 गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। उत्तरकाशी में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। पहाड़ों से हो रही पत्थरों की बारिश ने सड़कों को मलबे में तब्दील कर दिया है। पहाड़ खिसकने से सड़कों पर आए मलबे से न केवल रास्तों को बंद कर दिया गया, बल्कि पहाड़ी इलाकों में बनी दुकानों और मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। पहाड़ दरकने की वजह से सड़क पर खड़ी गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। पड़ोसी देश नेपाल में हुई जोरदार बारिश के बाद बिहार के लखीसराय के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगा की सहायक नदियों के जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। बाढ़ की वजह से सड़कें डूब गई हैं और लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग कहीं भी आने जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नाव की सवारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक शहर में भारी बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया, जिसकी वजह से नदी के किनारे खड़ी कई गाड़ियों के पानी में डूबने की तस्वीरें सामने आईं। आसपास बने घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। पानी में फंसी कार को कई लोग धक्का देकर निकालते हुए नजर आए। हालांकि पानी का बहाव कम होने के बाद कई गाड़ियों को निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में शिमला के कोटगढ़ में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से एक सड़क पूरी तरीके से बह गई। सड़क बह जाने के बाद वहां के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को कई मार्गों से संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिसके बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। पानी का जलस्तर बढ़ने से तवा डैम के 7 गेट 5 फीट तक खोले गए। डैम के कैचमेंट एरिया और पहाड़ी क्षेत्रों भी लगातार बारिश की वजह से प्रशासन ने डैम के किनारे बसे लोगों को सतर्क कर दिया है। चंडीगढ़ में देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उग्र हो गए, जिन्हें काबू